आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बहुत वर्षों के साथी भाई निर्मल जी, जो आपके बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद हैं, मंच को दो लोग सुशोभित कर रहे हैं जो हमारे साथ दिल्ली विधानसभा में, एक तो अभी भी दिल्ली विधानसभा के एमएलए हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, और दूसरे जितेंद्र सिंह चंटी जी जो निगम में भी रहे, विधानसभा में भी रहे, तो और साथ ही मेयर के रूप में विपिन बिहारी जी और सत्यपाल सिंह जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, ये भी मंच पर विराजमान है। पुराने इस क्षेत्र के कॉर्पोरेटर बलबीर सिंह जी, हमारे बहुत ही कर्मठ योग्य किशन गोपाल शर्मा जी जो मंडल अध्यक्ष है, मैं तो सोच रहा हूँ जब मैं यानी कब से मंडल अध्यक्ष है भाई, और लेकिन हमने देखा मंडल अध्यक्ष रहे ना रहे, लेकिन वो एक योग्य और निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह हमने उनको वर्षों से काम करते हुए देखा है। विवेक बिहार के भी हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ मदन मित्तल जी बैठे हैं, और इस क्षेत्र के निगम पार्षद हमारे प्रिय दोस्त रवि बंसल जी भी जो आ गए। अभी मैंने आधा मिनट पहले इनसे पूछा कि रवि बंसल जी कहाँ है, इनसे पूछिए आप, अभी पूछा, आइए आइए आइए, अच्छा अभी आइए ना, आइए आइए आइए, विश्वास है जी कि आपने अवश्य कहा होगा मुझे इनसे पूछने की आवश्यकता, आइए 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 आइए, चांस की बात है, मैंने आधा सेकंड पहले यहाँ आने से पहले पूछा, रवि बंसल जी नहीं दिख रहे और हमारे यंग योग्य ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, दीपक जी और के डी वर्मा जी, पुराने ओम प्रकाश शर्मा जी जो है बहुत वर्षों से जो है पार्टी के अंदर इंटेलेक्चुअल सेल का काम कर रहे हैं, जब पार्टी में आए थे तो मैं समझता हूँ कि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, मैं इनको पार्टी के अंदर लेके आया था, या बहुत सारे कार्यकर्ता, इतने सारे प्रेमी लोग आज मिले हैं कि मेरा मन तो करता है वो सभी का एक एक का नाम लूँ, लेकिन समय की थोड़ी सी मर्यादा है, ये कार्यक्रम के तुरंत बाद एक बहुत ही जिस काम को करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कृष्ण नगर के अंदर भी एक बड़ी पार्किंग, जिसके लिए लगभग 20 साल तक हमने स्ट्रगल किया, लगभग 20 साल, पूरे 20 साल स्ट्रगल किया, और समझ लीजिए कि शायद 18वें-19वें साल में जो है वो उसका फाउंडेशन रखा था, अभी वो 4-5 साल में कंप्लीट हुई, तो अभी उसको आज उद्घाटन करना है, तो उसके कारण भी बहुत खुशी हो रही है। यहाँ सारे इतने पुराने प्रेमी लोगों को, कार्यकर्ता और शाहदरा के बहुत पुराने लोगों को देखकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं सबसे पहले तो क्योंकि इस क्षेत्र में आया हूँ तो मुझे पुरानी बहुत सारी यादें ध्यान आ रही, मैं जमुना पार में लगभग जब आया था तो उसके तुरंत बाद जो है यहाँ शायद 1967 का इलेक्शन हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, और इधर से हरदयाल देवगुण जी मेरा ख्याल से चुनाव लड़े थे। उस ज़माने में थ्री व्हीलर के ऊपर हम लोग माइक से अनाउंसमेंट करते थे, और यहाँ निर्मल जी का घर होता था, उनके पिताजी स्वर्गीय सूरज भान जी जो है वहाँ पे, मुझे अभी तक याद है कि वहाँ कोई कार्यालय वगैरह बना था जो है, तो उस ज़माने से हम लोगों ने अपनी जनसंघ के अंदर काम करने की, और शायद लगभग एक ही समय में, मेरा तो संघ आयु का 50 वर्ष जो है अभी पूरा हो रहा है जो है 1 मई को, तो मैं निर्मल जी से पूछ रहा था कि आप भी कब जाना, क्योंकि 71 के अंदर हमने इकट्ठे संघ शिक्षा वर्ग किया था जालंधर के अंदर, तो 50 वर्ष करीब संघ आयु हो गई, राजनीति में 93 में प्रवेश हुआ वो भी 25 साल पूरे हो गए हैं, और जमुना पार से विशेषकर अपने शाहदरा से जो है यहाँ मैं आज खड़ा हूँ, तो मुझे दो लोगों का विशेष रूप से स्मरण आ रहा है, अपने कुंदनलाल मनचंदा जी का जो हमारे बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या करके सेवा की, पार्टी की जिला अध्यक्ष के रूप में भी की, 70 में शायद यहाँ के
निगम पार्षद भी इस क्षेत्र के वो रहे तो, और इसी क्षेत्र में का निवास वगैरह भी रहा, और इसी अनाज मंडी चौक के ऊपर हमारे एक और मित्र जो हमसे उम्र में तो बड़े थे लेकिन अभी नहीं है, डॉक्टर एच के गुप्ता साहब, वो भी जो है बहुत बार में जब शुरू में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 1983 में तो कई बार मैं अनाज मंडी में उन दिनों में जो है जब डॉक्टरों से मेरा परिचय हुआ संबंध हुआ तो वो भी एकदम पारिवारिक उनके साथ संबंध था। बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं तो पुराने अनाज मंडी के अंदर, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही, मैं तो मुझे इसकी बात की कल्पना हो सकती है कि यहाँ पे पार्किंग बनाना कितना कठिन हो सकता है, क्योंकि कृष्ण नगर जैसी जगह के अंदर पार्किंग की जगह के लिए कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, कितनी स्ट्रगल की, कितनी बार कभी NGT आ जाती थी, कभी कोई भूरे लाल जी आ जाते थे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, और कितने स्ट्रगल के बाद लगभग 4 टर्म में MLA रहते हुए उसके अंदर मैं लगातार स्ट्रगल किया, तब जाके 4th टर्म में मेरे MLA के नाते वो पार्किंग को हम एक प्रकार से शेप देके उसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन कर पाए। तो इसको भी मैं सोच सकता हूँ कि ये शाहदरा की अनाज मंडी जैसी जगह में जहाँ की जगह का स्थान का इतना अभाव है, इतनी कठिनाई है, और पार्किंग के कारण लोगों को कितनी कठिनाई है उसकी तो कल्पना करना जो है वो तो उसको कल्पना क्या तो कोई स्वाभाविक रूप में भी उसको जान सकता है। उस नाते मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ डेवलप हुआ है, निर्मल जैन जी ने बड़े मनोयोग से इसके ऊपर काम किया है, और मुझे बताया कि काफ़ी समय से इसके पहले बलबीर जी भी बहुत ट्राई किया, अभी ऑफिसर्स ने भी, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कॉरपोरेशन ने पॉलिसी बनाकर इसको काम को किया, मैं जो चेयरमैन है, स्टैंडिंग कमेटी के मेयर हैं, इनकी पूरी टीम है, इनको विशेष रूप से बधाई इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो दिल्ली में जो ये कॉरपोरेशन है ये कितनी कठिनाई से काम कर रहे हैं। कठिनाई का कारण जो है वो खाली इनका कोई इनहेरेंट पैसे का अभाव नहीं, इनके ऊपर जो सरकार काम करती है, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार को भी अगर कॉरपोरेशन को कोई पैसा देना तो उसका रूट जो है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से जाता है, और दिल्ली सरकार को आप पैसा दें तो भी और पैसा ना दें तो भी उसने कॉरपोरेशन को पैसा नहीं देना। हमने पिछले समय में दिल्ली में इतनी एक शर्मनाक घटना देखी कि कितने दिन तक दिल्ली में कॉरपोरेशन के जो सफाई कर्मचारी थे वो स्ट्रगल करते रहे, हड़ताल करते रहे, तनख्वाह उनको नहीं देने के लिए थी कॉरपोरेशन के पास, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो देखती रही, लेकिन उसने दिल्ली सरकार ने कॉरपोरेशन का ड्यू पैसा भी जो है वो कॉरपोरेशन को नहीं दिया, दिल्ली के लोग तड़पते रहे। तो इनकी जो परेशानी है उसको हम लोग बहुत भली भांति समझते हैं, और पूर्वी दिल्ली जो है उसको विशेष रूप से यहाँ इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, इतना यहाँ पर कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है, और उसके बावजूद भी ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेना, उसके लिए नए नए तरीके इनोवेटिव मेथड्स निकालना, अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही अल्टीमेटली तो जनता का इसके कारण कल्याण होने वाला है। तो इस तरह के काम करने के लिए एक विजनरी अप्रोच की ज़रूरत है, एक बड़ी सोच की ज़रूरत है, और मैं अपने कॉरपोरेशन को और विशेषकर निर्मल जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, इतने अनाज मंडी के अंदर 200 कारों की पार्किंग बना देना, और अभी साथ में मैंने सुना कि इसके अंदर शॉपिंग कम्प्लेक्स भी होगा, तो ये मेरे लिए सच बात है कि एकदम अविश्वसनीय है, लेकिन चूंकि वास्तव में कार्यक्रम करने आया हूँ तो मुझे लगता है कि योजना बना के ये कर रहे हैं, इसलिए इसका मुझे विश्वास भी हो रहा है, और विश्वास होने के साथ साथ बहुत खुशी भी हो रही है। मैं केवल आपको केवल लंबा चौड़ा भाषण करने का ये समय नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि 5 साल पहले मैंने जाकर चांदनी चौक में चुनाव लड़ा क्योंकि पार्टी ने आदेश किया, और उसके बाद मोदी जी की सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। मोदी जी को 5 साल से बहुत, ऐसे तो हम लोग 30 साल से जानते हैं उनको एक पार्टी के सहयोगी कार्यकर्ता के नाते, वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर के नाते मैंने बहुत नज़दीक से काम करते हुए देखा है, और केवल इसलिए नहीं कि उनकी कैबिनेट का मैं मंत्री हूँ इसलिए ये बात कहूँगा,
या ये मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मेरी पार्टी की सरकार है इसलिए बात कहूँगा, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर कोई बहुत विशेष बात नहीं है, वो एकदम फकीर प्रवृत्ति के आदमी हैं, उनको किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं, सिर्फ उनको देश से, समाज कल्याण से, राष्ट्र धर्म से, राष्ट्र कल्याण से, और लोगों के अंदर भी उनका जो दिल, वास्तव में हमने देखा है कितनी बार, कम से कम 5 साल में 10 दफ़ा हमने कम से कम उनकी आंखों को गरीबों के लिए, जिसे कहते हैं, डबडबाते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों ने तो पार्लियामेंट में जब पहला भाषण किया था तब देखा, लेकिन हमने उसके बाद भी देखा कितनी बार वो गरीबों के कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के इश्यूज़ के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एकदम इतने भावुक हो जाते हैं, और इतनी सच्चाई, इतनी जिसे कहते हैं ईमानदारी, और इतने विजन के साथ वो काम कर रहे हैं कि ये मैं कहूँ कि ये भारत के लोगों का सौभाग्य है कि भारत के लोगों को 2 महान प्रधानमंत्री कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के रूप में मिले हैं, कि ये इसमें ज़रा भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये भाजपा के कार्यकर्ता जो आज के युग में हैं, इनके लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें हमारे आंखों के सामने 2 अपने महान कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का मौका मिला है। असाधारण सोच के साथ काम कर रहे हैं, इतनी सारी जो योजनाएं उन्होंने लॉन्च की, कोई योजना ऐसी नहीं है जिसके करोड़ों की तादाद में लाभार्थी ना हो। यानी एक तो होता है योजना, तो पहले भी हम सुना करते थे कोई 20 सूत्री कार्यक्रम होता है, 5 सूत्री कार्यक्रम होता था, और पता नहीं कितने तरह के गरीबी हटाओ के नारे हमने सुने हैं इस देश के अंदर, बचपन से सुनते आए हैं। जब हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, जनसंघ के एक तरह से छोटे मोटे कार्यकर्ता की तरह, तो उस ज़माने में गरीबी हटाओ के नारे होते थे, लेकिन जितनी जिसे कहते हैं कि कमिटमेंट के साथ गरीबों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, कोई एक भी योजना का नाम आप अगर खड़े होकर मुझसे पूछे तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कितने करोड़ लाभार्थी हैं। अभी आयुष्मान जैसी योजना मैंने पिछले दिनों जो है, जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, मैंने ट्विटर पे वो डाले वीडियोस, कई ऐसे लोगों को जिनको आयुष्मान योजना से लाभ मिला। जो दिल्ली में तो ऐसी बदकिस्मती है कि ऐसी बदमिजाजी वाली सरकार है कि वो दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दे रही, लेकिन आयुष्मान योजना ऐसी योजना है जो 50 करोड़ देश के लोगों को सीधे सीधे, यानी कभी गरीब आदमी सोच नहीं सकता था कि उसके ऊपर 5 लाख रुपया बिना किसी ज़्यादा मेहनत की कोई सरकार प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी खर्च कर सकती है, लेकिन ये जो दिल्ली में सरकार है ये उसको लागू नहीं होने दे रही। तो बहुत सारे ऐसे मरीज जो दिल्ली के बाहर के हैं, उनको हमने जाके कोई मोदी नगर में, मेरठ में, फरीदाबाद में, कई जगह पे जाके मैंने जो है उनको जाके मिले, हम लोग जो है देखा, असेस करने के लिए और सब करने के लिए उनकी कोई वीडियोस बनाए, इतने भावुक हो के लोग कहते हैं हमारे लिए तो मोदी भगवान है। और मतलब ऐसी ऐसी कोई लेडीज हैं, गरीब हैं, मुस्लिम लोग जो है उनके मैंने इतने सारे वीडियोज बना के जो है डाले। तो यानी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसको, और सच बात यह है कि दिल्ली के लिए अगर मैं बात करूं, खाली एक अकेले दिल्ली के लिए अभी यहाँ योजनाएं गिनाने का काम नहीं, इन समय नहीं है, लेकिन 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स तो खाली अकेले नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने आसपास जो है, अभी आपने देखा ये जो दिल्ली से मेरठ का जो बाईपास जा रहा है, कोई वेस्टर्न पेरीफ्रल, कोई ईस्टर्न पेरीफ्रल, और कितने सारे अभी ये जमुना पार से लेकर और दूसरे यानी कोने तक जो है, समझिए टिकरी बॉर्डर तक जो है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है आने वाले वर्षों के अंदर आपको देखने को मिले 46,000 करोड़ के अकेले जो है। और अभी कल ही परसों कैबिनेट ने यहाँ पर एक MRTS का जो है प्रोजेक्ट जो है इसी के निजामुद्दीन के इसी रूट पर जो है सेंक्शन किया, लगभग 30,000 करोड़ रुपये का। इतने सारे प्रोजेक्ट्स, और प्रधानमंत्री जी ने यानी वो नहीं कि कोई कार्यक्रम को अनाउंस कर दिया, कुछ कर दिया, प्रगति करते हैं देश के 20-20, 30-30 साल पुराने जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे, वो अटके हुए थे, उनको अटकी हुई जगहों से, कूड़ेदान में से, जैसे कहते हैं ना, उठाकर, डस्ट लगी हुई फाइल को उठाकर और उसको
अभी जो जंतर मंतर पे जनपद पे आप ये डॉक्टर अंबेडकर का जो कन्वेंशन सेंटर बना है, ये 90 से फाइल चल रही थी, 90 से, और 2014 में कितनी सरकारें बीच में आई, और 90 से उसको 2014 में फाइल को उन्होंने एक तरह से डस्टबिन में से उठाकर फाइल को दोबारा से वर्कअप किया। 2015 के अंदर हम उसके फाउंडेशन स्टोन लेइंग में भी गए थे, और जब 2017-18 में 2.5 साल में उसको खड़ा कर दिया, तब भी हम गए। डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्मारक यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली असेंबली के सामने आप देखिए जहाँ उनकी डेथ हुई, इतना खूबसूरत। यानी इसी 3-4 साल में फाउंडेशन भी किया, इसी 3-4 साल के अंदर उसको किसी ने कभी दिल्ली के अंदर काम नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज और अपनी जो INA की आर्मी के लिए लाल किले के अंदर, उन्होंने एक साल पहले पिछले साल आए थे वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और इस साल जब गए तो अपने में म्यूजियम जो है बनकर तैयार हो गया। 50-60-70 साल में किसी ने सोचा नहीं कि अम्बेडकर जी के जितने पांचों स्थान हैं उनके ऊपर जो है ऐसे जो है एक तरह से पिलग्रिमेज के साइट्स बना दे। इंग्लैंड में भी बना दिया, नागपुर में भी बना दिया, दिल्ली में भी बना दिए, सब जगह पे सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बना दी। यानी हमारे महापुरुष भी जिनको लोग भूल गए थे, आज सारे देश में दुनिया में महात्मा गांधी का 150वां साल किस गहराई से। मैंने जो आपको कहा ना कि उनके मन में केवल एक ही भाव है कि कैसे हम राष्ट्र धर्म का अपने ईमानदारी से पालन कर सकते हैं, कैसे हम मानव कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, कैसे हम मानवता की सेवा कर सकते हैं, और उनकी हर सोच, हर उनका जो प्रोग्राम है वो उसी के ऊपर जो है एक तरह से केंद्रित है। जब 33 करोड़ पहली बार जब लाल किले पे आके भाषण किया था उन्होंने, तो जब उन्होंने वो कहा था मैं गरीबों का खाता खोलूंगा, तो सच में मुझे भी, मैं कैबिनेट का मंत्री था, मुझे भी समझ में नहीं आया कि गरीब का खाता खुल जाएगा उससे क्या होगा, लेकिन देखते देखते 33 करोड़ लोगों का खाता खोल दिया। और आज उस देश में ये काम इंदिरा गांधी को 70 में करना चाहिए था जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, लेकिन ये मोदी जी ने, आपने देखा कि खाता तो खोला 2014 में, और उसके बाद आज 33 करोड़ लोगों को जो सरकार से कोई उनको सुविधा मिलनी है, कोई सब्सिडी मिलनी है, कोई स्कॉलरशिप मिलनी है किसी को, सब दिल्ली में बटन दबता है, नागालैंड में भी पूरा का पूरा 1 रुपए के बदले 100 पैसा जो है उसके सीधा गरीब आदमी के अकाउंट में चला जाता है। ये यानी राजीव गांधी जी ने भी कहा था ना 1 रुपए का 15 पैसा ही पहुंचता है। अब प्रॉब्लम बता दी, प्रॉब्लम बताने से क्या होता है, सोल्यूशन जब तक आप उसका नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। खाली भाषण में आप कहते रहे कि देश के हजारों गांवों में बिजली नहीं है क्योंकि वहां खंबा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर लाइन नहीं जा सकती, लेकिन डिटर्मिनेशन थी प्रधानमंत्री की। उन्होंने 14 में भाषण दिया और 18 के भाषण जब करने आए तो उन्होंने बता दिया कि जो है हमने जो है सारे देश के 18,000 के 18,000 गांव में बिजली पहुंचा दी, एक एक घर में बिजली पहुंचा दी है। इतने औरतें हमारी जो है, बहनें जो है वो धुआं खा खा के जो है कैंसर का शिकार होती थी, मैं तो स्वयं इसी फील्ड का स्पेशलिस्ट हूं, मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती थी, वो भी करोड़ों जो है बहनों को। और ये भी नहीं कि उसके लिए कहीं से अलग से पैसा लिया, आप ही लोगों से कहा, वरना तो राजनीति में लोग कहते हैं और सब्सिडी दे दो, और सब्सिडी दे दो, और फ्री का माल बांट दो, लेकिन प्रधानमंत्री जिसकी कन्विक्शन होती है, जिसकी सोच में ईमानदारी होती है, वही हिम्मत करके कह सकता है कि भाई तुम संपन्न आदमी हो, तुम अपनी सब्सिडी छोड़ दो। और देखिए करोड़ों लोगों ने छोड़ दी, और छोड़ने के बाद उसी पैसे से उन्होंने गरीबों के लिए जो है योजना बना के उनके लिए सिलेंडर की व्यवस्था कर दी। अब ये टेलीफोन जो है इसके अंदर ये इंटरनेट की फैसिलिटी जो है, ये सिर्फ 356 किलोमीटर तार पड़ी थी जब मैंने शपथ ली थी इस सरकार में, 356 किलोमीटर, आज 2.5 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर देश भर में डाल दी। सारी लगभग 90% से ज्यादा पंचायतें जो है ना, वो अभी शायद इलेक्शन के आने तक शायद 100% ही हो जाएगी, उनके अंदर जो है ये इंटरनेट की फैसिलिटी प्रधानमंत्री जी ने पहुंचा दी। और जिस प्रकार से काम किया है सारी दुनिया के अंदर भारत का नाम, मैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम किया, मैं दुनिया के 30-40 देशों में मंत्री बनने के पहले भी गया, लेकिन अभी 4 साल में भी बहुत देशों में जाने का मौका मिला। जमीन आसमान का फर्क है। एक बार
जर्मनी में मैं प्रधानमंत्री जी के साथ गया तो जिस होटल में रुके थे तो रात को 11 बजे बड़ा शोर मच गया, तो एकदम जैसे चारों तरफ जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो हम लोग डर गए, कोई अटैक वटैक हो गया क्या हो गया पता नहीं। तो बाहर निकल के जरा देखा वेखा पता करा, 11 बजे जर्मनी के अंदर जर्मनी के लोग और वो मोदी 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 करते हुए जर्मनी के लोग घुस गए जो है, और प्रधानमंत्री जी 11 बजे जो है अपने कमरे से निकल के आके उनको मिले। तो ये मोदी 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 खाली यहाँ पर ही नहीं होता है। अब यहाँ तो कोई कह सकता है कि भाई मैंने चार आदमियों को कह दिया, लेकिन यहाँ भी नेचुरल होता है, वहां उससे ज्यादा नेचुरल मैंने जर्मनी के अंदर जो है देखा कि जो है इतना यानी इतना ज्यादा सारे दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है। वही अमेरिका है ना जो कहता था वीजा नहीं दूंगा मैं तुम्हारे को, प्रधानमंत्री जी मोदी जी और तब तो चीफ मिनिस्टर थे, वो कहते थे हमने वीजा मांगा नहीं, वो कहता था हम वीजा देंगे नहीं। अरे भाई तुमने दोगे नहीं, हमने मांगा ही नहीं, तुम दोगे नहीं या क्या? वो याद है ना आपको, यहाँ से उन्होंने नेट से सारे दुनिया के अमेरिका के लोगों को भाषण से एड्रेस किया था। अब उसी अमेरिका में जब व्हाइट हाउस में भाषण देने जाते हैं तो 85-80-90 वहां के सीनेटर्स की लाइन लगती है उनका दस्तखत लेने के लिए। यानी पूरे वर्ल्ड में आज कोई भी बड़ी घटना होती है, कोई भी बड़ी सोच विकसित होती है जिसमें सामूहिक लोगों को मिलकर काम करना है, तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो जापान हो, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा देश रशिया हो, सबके बीच में सबसे पहले होता भाई भारत क्या सोचता है, भारत से पता करो, नरेंद्र मोदी से भी बात कर लो कि क्या भारत की सोच है। ये प्रधानमंत्री ने ना ये फर्क पैदा किया है भारत के लिए। अभी मैं तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हूँ, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में जो काम किया तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एनवायरनमेंट का अवार्ड है वो भारत को मिला प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री जी ने कहा न्यूयॉर्क में फंक्शन है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते, आप दिल्ली में कार्यक्रम एक कर दीजिए, हम उसके अंदर आके आपको अवार्ड देंगे। हमने कार्यक्रम आयोजित किया उनको यूनाइटेड नेशन। सऊदी अरेबिया जैसा देश वो उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड दे रहा है। अब देखो ना इसराइल वाले कैसे झगड़ा करते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब के सारे देश भी जो है मोदी जी को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और जो इसराइल है वो भी सबसे अच्छा दोस्त मानता है। तो ये उनकी व्यक्तित्व की एक प्रकार से खूबी है। आपने देखा कि उनका मन में यानी एक स्टेट्समैन वाला भाव भी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास बधाई देने भी चले गए थे बिना बताए, और लेकिन जब बदतमीजी की तो सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है उसका जवाब भी दे दिया उन्होंने अच्छे तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि एक बहुत ही योग्य व्यक्ति भारत का, असाधारण प्रतिभा वाला, असाधारण ऊर्जा वाला, उनके व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन हम नहीं समझते कि हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है, उनके मार्गदर्शन में भारत को जो है आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और अब एक बड़े सपने को लेकर वो जी रहे हैं कि भारत को एक नया भारत डिलीवर करना है 2022 तक, जितनी भी कमी पेशियाँ यहाँ पर हैं भारत में वो सब दूर करनी है, ऐसा भारत जिसमें सबके चेहरे पे मुस्कान हो, सबके दुखों का निवारण हो, बच्चों के लिए इनके लिए सब तरह की स्वास्थ्य की शिक्षा की पोषण की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के स्वाभिमान की रक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था हो, और जितनी ये बीमारियां हैं देश में, कोई आतंकवाद है, कोई अलगाववाद है, कोई नक्सलवाद है, कोई जातिवाद है, कोई माओवाद है, ये सब जितनी है ये सब का जड़ से सफाया हो और एक ही बात चले कि वो हो मानवतावाद। इस सोच के ऊपर जो है प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और सारे देश के लोगों को वो यही कहते हैं कि भाई मेरे सपने के साथ अपने सपने को जोड़कर और आप सब मिलकर जो है काम करिए और इस भारत को जिसका भविष्य अतीत से भी ज़्यादा सुंदर हो बनाने में मेरा सहयोग करिए। अभी बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भारत के मन की बात शुरू किया है, सारे जगह पर डब्बे लगाए जा रहे देश भर में और लोगों से वो कह रहे हैं कि आपके मन में क्या है, कैसा भारत बनाना चाहते हो, हम और क्या करें, कैसे करें, उसके लिए लोगों से सुझाव ले रहे हैं, उसी सुझाव से वो अपने आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबको ढेर सारी
मेरी शुभकामनाएं हैं। परमल जी को बहुत बहुत बधाई है, शाहदरा के लोगों को भी बहुत बधाई है। यहाँ आते हैं तो यहाँ की बालूशाही हमको याद आती है, जो है यहाँ की जलेबी याद आती है। हालांकि वो बालूशाही तो सब जगह जो है फैलनी शुरू हो गई है, और हमारे भले ही वो कांग्रेस पार्टी में थे, राम बाबू जी जो है वो भी पुराने यहाँ के शाहदरा के साथ जो है वो जुड़े थे। वो भी भले ही कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन वो भी प्रेमी व्यक्ति थे, जो है सबसे प्रेम करते थे, और हमने तो हमेशा उनसे मतलब वो प्रेम भी करते थे, आदर भी करते थे, इसलिए मैं उनको बड़ा इज्जत करता था कि कभी वो कांग्रेस बीजेपी इस हिसाब से नहीं सोचते सोचते थे। तो यहाँ आए तो मुझे उनके भी यहाँ पर बैठे बैठे याद आई, जो है उन्होंने भी बहुत सेवा किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम प्रकाश शर्मा जी भी आए हैं, हमारे गिने चुने विधायक हैं इस समय तो दिल्ली की असेंबली में, लेकिन चिंता मत करिए, 2020 में हम लोग बिल्कुल तस्वीर बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की।